सर्च मारिए, आ गया। तो देखिए अठवा कैमरा हमारा 98 क्या डालते हैं सुफियान, 98। जी सर। देखिए 98 हमारा, तो 98 वाली दिख रही है आईपी, आठ कैमरा हमें ग्रीन में। तो अभी देखिए समझ में आया सभी को, आठ हमारा आईपी कैमरा लैपटॉप से आईपी कैसे चेंज होता है, मतलब ए टू जेड आपको पूरी नॉलेज जानकारी दी गई। ऐसे 32 कैमरा, 16 कैमरा, 64 कैमरा आप करते चले जाएंगे, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? यस सर, जी सर। यस सर, कोई दिक्कत समझ में आया ना? ये छोटा चीज़ नहीं है, बाहर में जब जाएंगे तो उसकी सैलरी 40 से 45 हज़ार है, ये बस आईपी कैमरे पे आपको आना चाहिए। तो देखिए अभी हमारे स्क्रीन पे चार कैमरे चल रहा है, तो चार कैमरे को ऐड करना बताया, समझ में आया सभी लोगों को? हाँ, तो बाई डिफॉल्ट इसका कैसे लैपटॉप से हम आईपी चेंज करेंगे पता चल गया। तो चलिए फिर अभी हम चार कैमरे को और बताते हैं, जो देखिए चार कैमरा ये अभी ऐड नहीं हुआ है, अभी हमारे स्क्रीन पे चार कैमरा देख रहा है। तो बाई डिफॉल्ट ये सीपी प्लस का नहीं है, पर सीपी प्लस का क्या है, हमारा एनवीआर है, ठीक है? पर एनवीआर सीपी प्लस का है और कैमरा हमारा किसी अलग कंपनी का, तो कैसे हम इसको चलाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें बाई डिफॉल्ट हर कैमरे की, देखिए अभी हमारा चार कैमरा चल रहा है, ये चारों हमारा देख सकते हैं दोस्तों कनेक्ट है हमारे पीओएस से, बट अभी चार कैमरे हमें हमारा नहीं ऐड है, अभी चार कैमरे को हम ऐड करना सिखाएंगे सभी को। तो देखिए चार कैमरे हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, समझ में आया सभी को? तो अभी देखिए बाय डिफॉल्ट इस कैमरे का, सभी कैमरे आठों कैमरे का एक ही आईपी थी जो कंपनी ने बना के दिया था, ठीक है? अभी हमारा सीपी प्लस का एनवीआर है, तो उसके हिसाब से ये आईपी इसकी मैच नहीं होगी, और मैच ना होने के कारण हमारे सर्च डिवाइस में ये ऐड नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ जाते हैं मेन मेनू पे, और जो कि हम कैमरा सर्च पे जाते हैं तो यहाँ सर्च मारते हैं तो ये आएगा नहीं जब तक इसकी आईपी हम लैपटॉप से चेंज नहीं करेंगे। और देखिए चारों कैमरे की आईपी हमने चेंज कर दिया है, तो चारों कैमरे हमारे डेस्कटॉप पे शो कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी पारा पारी हम सबको करते हैं, तो चलिए तेज पता इसको हम ऐड करेंगे दोस्तों पीओ स्विच से इससे, और इसके हम करेंगे लाइन थ्रू के सहायता से हम अपने लैपटॉप में कनेक्ट, ठीक है? तो अभी कैसे कनेक्ट करना है वो समझिए। सबसे पहले हम इसमें अपलिंक वाले पॉइंट से अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर देंगे, जो कि पीओ स्विच से, जो देख सकते हैं आप कनेक्ट करिए, ठीक है? ये हमारा पीओ स्विच है जिससे अपलिंक वाले पॉइंट से हमें कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप के इथरनेट पोर्ट से, ठीक है? ताकि हम लैपटॉप से आईपी चेंज कर देख सकते हैं, ठीक है? तो देखिए अभी हमने क्या किया, अपलिंक वाले पॉइंट से उठा के हम किस में जोड़ दिए, अपने लैपटॉप में जोड़ दिए, ठीक? और इस कैमरे को हम किससे जोड़ेंगे, पीओ स्विच से जोड़ेंगे, जोड़िए। और इसकी आईपी हम अपने लैपटॉप पे सर्च करेंगे, बाकी कैमरा चला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो देखिए सर्च करिए। तो देखिए दोस्तों ये अभी हमारे स्टूडेंट है, अब जो कि इन्हीं से हम आईपी चेंज करेंगे, तो इसमें कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। 1.88 देखिए ये आ गया, 1.88 आपको दिख रहा होगा, अब इंटर करिए। तो देखिए ये हमने डाला, और इसका हमारे इस कैमरे का क्या हो गया, वेब पेज ओपन हो गया, ठीक है? अभी होगा। तो देखिए अभी हमारे स्क्रीन पे चार कैमरे चल रहा है, तो चार कैमरे को ऐड करना बताए हैं, समझ में आया सभी लोगों को? हाँ, तो बाय डिफॉल्ट इसका कैसे लैपटॉप से हम आईपी चेंज करेंगे पता चल गया। तो चलिए फिर अभी हम चार कैमरे को और बताते हैं, जो देखिए चार कैमरा ये अभी ऐड नहीं हुआ है, अभी हमारे स्क्रीन पे चार कैमरा देख रहे हैं आप। तो बाय डिफॉल्ट ये सीपी प्लस का नहीं है, पर सीपी प्लस का क्या है, हमारा एनवीआर है, ठीक है? पर एनवीआर सीपी प्लस का है और कैमरा हमारा किसी अलग कंपनी का, तो कैसे हम इसको चलाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें बाय डिफॉल्ट हर कैमरे की, देखिए अभी हमारा चार कैमरा चल रहा है, ये चारों हमारा देख सकते हैं दोस्तों कनेक्ट है हमारे पीओ स्विच से, बट अभी चार कैमरे हमें हमारा नहीं ऐड है, अभी चार कैमरे को हम ऐड करना सिखाएंगे सभी को। तो देखिए चार कैमरे हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं, समझ में आया सभी को? तो अभी देखिए बाय डिफॉल्ट इस कैमरे का, सभी कैमरे आठों कैमरे का एक ही आईपी थी जो कंपनी ने बना के दिया था, ठीक है? अभी हमारा सीपी प्लस का एनवीआर है, तो उसके हिसाब से ये आईपी इसकी मैच नहीं होगी, और मैच ना होने के कारण हमारे सर्च डिवाइस में ये ऐड नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ जाते हैं मेन मेनू पे, और जो कि हम कैमरा सर्च पे जाते हैं तो यहाँ सर्च मारते हैं तो ये आएगा नहीं जब तक इसकी आईपी हम लैपटॉप से चेंज नहीं करेंगे। और देखिए चारों कैमरे की आईपी हमने चेंज कर दी है, तो चारों कैमरे हमारे डेस्कटॉप पे शो कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी पारा पारी हम सबको करते हैं, तो चलिए तेज प्रताप इसको हम ऐड करेंगे दोस्तों पीओ स्विच से इससे, और इसके हम करेंगे लाइन थ्रू के सहायता से हम अपने लैपटॉप में कनेक्ट, ठीक है? तो अभी कैसे कनेक्ट करना है वो समझिए। सबसे पहले हम इसमें अपलिंक वाले पॉइंट से अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर देंगे, जो कि पीओ स्विच से, जो देख सकते हैं आप कनेक्ट करिए। ओके, ये हमारा पीओ स्विच है जिससे अपलिंक वाले पॉइंट से हमें कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप के इथरनेट पोर्ट से, ठीक है? ताकि हम लैपटॉप से आईपी चेंज कर, जो देख सकते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या किया, अपलिंक वाले पॉइंट से उठा के हम किस में जोड़ दिए, अपने लैपटॉप में जोड़ दिए, ठीक? और इस कैमरे को हम किससे जोड़ेंगे, पीओ स्विच से जोड़ेंगे, जोड़िए। और इसकी आईपी हम अपने लैपटॉप पे सर्च करेंगे, बाकी कैमरा चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो देखिए सर्च करिए। तो देखिए दोस्तों ये अभी हमारे स्टूडेंट है, अब जो कि इन्हीं से हम आईपी चेंज करेंगे, तो इसमें कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। 1.88 देखिए ये आ गया, 1.88 आपको दिख रहा होगा, अब इंटर करिए। तो देखिए ये हमने डाला, और इसका हमारे इस कैमरे का क्या हो गया, वेब पेज ओपन हो गया, ठीक है? अभी होगा, ये हमारा वेब पेज ओपन हो गया, जो कि देख सकते हैं 192.168.1.188, जो कि इन कैमरों की बाय डिफॉल्ट आईपी थी, जो कि हम अभी प्रेजेंट टाइम में इस कैमरे को हम ऐड किए हैं पीओ स्विच से, और पीओ स्विच हमारा कनेक्ट है किससे,
हमारे अपलिंक वाले पॉइंट से लैपटॉप से। तो अभी इसका हम तो देखिए प्रेजेंट टाइम में हमारे चार कैमरे अभी चल रहे हैं और चारों की आईपी आप देख सकते हैं 198.108.18.100 ठीक है। तो अभी हम इसका इस वाले कैमरे को अभी चलाते हैं, मतलब चार कैमरे तो अभी हमारे चल रहे हैं जो देख सकते हैं आप, ग्रीन सिग्नल है। पर पांचवा कैमरा हमारा अभी लगाए हैं, आईपी चेंज नहीं है, सर्च करने पे ही आएगा। नहीं नहीं आ रहा ना, देखिए आप लोग आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसका क्या करेंगे हम आईपी चेंज करेंगे। तो अभी ध्यान से देखिए आप सभी लोग कि चार कैमरे की चार आईपी है, नंबर लास्ट वाला याद कर लीजिए। पांचवा कैमरा की आईपी हम लैपटॉप से बदल के हम अभी सर्च मारते हैं। देखिए अभी सर्च ले नहीं रहा है इसलिए हम क्या किए लैपटॉप से लगा के, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको लॉगिन पेज हम लॉगिन कर लेंगे। इस सब देखिए हमारा लाइव चल रहा है जो देख सकते हैं आप, वो वाला कैमरा है जो देख सकते हैं अभी हमारे लाइव चल रहा है, तेज पर देख सकते हैं ठीक है। थोड़ा सा देखिए अभी लाइव ये चल रहा है ठीक है, क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। उसके बाद अभी इसका इसको हमें NVR पे चलाने के लिए NVR के हिसाब से क्या करेंगे इसकी आईपी चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सेटअप पे। सेटअप पे जाने के बाद दोस्तों हम कहाँ जाएंगे, नेटवर्क सेटिंग, उसके बाद आईपी चेंज कर देंगे। इसको क्या करेंगे जीरो करेंगे, जीरो में करके यहाँ देखिए कौन सा नंबर हम लेंगे, मान के चलिए देखिए लास्ट में सबका 180 तो चारों को छोड़ के हम लेंगे, यानी हम लेंगे 95, क्या लेंगे 95। तो एक सीक्वेंस में लेना है, ये नहीं कि 95-96 नहीं लेना है। तो देखिए ये हम जीरो कर देते हैं, इसको भी क्या करेंगे 0.1 कर देंगे ठीक है। अब यहाँ से सेव करते हैं, तो सेव करते ही हम फिर एक बार सर्च मारेंगे तो अभी हमारा ये 95 वाला आईपी आ जाएगा, जो 95 हमारा लास्ट में था ना कैमरे का, सर्च मारिए एक बार देखिए 95 आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे बस सिंपली। तो देखिए अभी ग्रीन सिग्नल है पांचवा कैमरा, रेड सिग्नल है अभी ग्रीन होगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए हो गया, अब देखिए एक कैमरा हमारा अभी चलेगा, पांचवा फ्रेम आ गया। तो देखिए पांच कैमरा चल रहा है, अब क्या करेंगे हम छह वाले को ऐड करेंगे ठीक है। तो देखिए एक और हम लेंस लेंगे और इसको हम अपने कैमरे से कनेक्ट कर देंगे और फाइनली और क्या करेंगे हम आगे वाले पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे ठीक है। कनेक्ट करने के बाद फिर से हम क्या करना है, एक बार यहाँ से बैक जाना है क्योंकि हमारा एक तो हो गया, फिर एक और करना है। यहाँ से बैक गए, यहाँ से फिर वही आईपी क्या करेंगे हम सर्च करेंगे ठीक है, 192.168.1.188। लाइन वायर सही होना चाहिए आपका ठीक है। तो देखिए वेब पेज ओपन हो गया वेब पेज। तो अभी देखिए कितना कैमरा ऐड है हमारा, पांच। अभी छठवां कैमरा हम ऐड करेंगे, लॉगिन पे किए। देखिए ये हमारा लाइव प्रीव्यू चल रहा है, जो अगला कैमरा दिखाइए जरा जो देख सकते हैं आप ठीक है। तो अभी देखिए हमारा इस पर पाँच ही चल रहा है, अभी छठा वाले की आईपी हम चेंज करेंगे फिर वो हम अभी हमारे NVR से वो भी कनेक्ट हो जाएगा। जैसे क्या सेटअप पे गए फिर नेटवर्क यहाँ दिख रहा है, नेटवर्क सेटिंग, यहाँ से हम क्या करेंगे इसकी आईपी हम तो जीरो की सीरीज में करेंगे ना, जीरो डॉट क्या करेंगे 96 कर दे रहा है ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे जीरो डॉट वन कर दिए ठीक है, जीरो की सीरीज में हो गया देख सकते हैं आप। तो 96 वाला आईपी देखिए अभी है नहीं इसमें, यहाँ पे गए मेन मेनू पे गए कैमरा, अभी देखिए 96 कोई आईपी दिख रही है आपको नहीं दिख रही। अभी 96 वाली आईपी जैसे ही हम यहाँ सेव करेंगे, यहाँ सेव करते हैं फिर एक बार जैसे सर्च करेंगे हमारा 96 वाली आईपी, चलिए सर्च करिए देखिए आ गई, ऐड कर दीजिए। अब देखिए पांच कैमरा चल रहे थे, अभी छठवां कैमरा हमारा चालू हो जाएगा। तो देखिए अभी हमारा छठवां कैमरा चालू हो गया 96 वाली आईपी ठीक है, और इस पर हमारा वेब पेज जो लॉगिन हुआ था कैमरा लाइव चल रहा था वो चलेगा नहीं, जैसे कि आप देख, क्योंकि आईपी हमारी मिसमैच हो गई है लैपटॉप की आईपी से। तो देखिए लाइव पे किए चल नहीं रहा है, बैक करिए एक बार। अब देखिए छठवां कैमरा, अभी दो कैमरे हमें और ऐड कर रहे हैं, अभी हम बताते कैसे ऐड होगा। फिर हम क्या करेंगे एक और लाइन केबल लेंगे। तो देखिए ये हमारे सभी आईपी कैमरे हैं, लाइन लगाइए। तो देखिए अभी इस कैमरे को हम चालू करके दिखाते हैं,
और फिर हमें इसके निचले वाले पॉइंट पे दे देना है, दे दिए। फिर एक बार क्या करेंगे, हम सर्च मारेंगे, वही आईपी है, क्या है 1.188, ठीक है। सर्च किया, देखो वेब पेज ओपन हो गया, एक बार फिर से रिफ्रेश करना है। तो देखिए ये भी हमारा कैमरा आ गया। अब इसको क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। देखिए कौन सा कैमरा लगाए थे, लास्ट वाला, देखिए आ रहा है। और देखिए हमारे अभी इस पे नहीं आ रहा है, अभी देखिए कितना है, 6 कैमरा ऐड हुए ना, 2 बचे हुए हमारे। और जो लाइन केबल सही नहीं है उसको सही कर लीजिए। तो यहाँ से गए फिर सेटअप पे, सेटअप पे जाने के बाद हम कहाँ गए, कहाँ जाएंगे बताइए, नेटवर्क पे। फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, जीरो की सीरीज में, उसके बाद 97 करते हैं, ठीक है। फिर इसका भी क्या करेंगे हम, जीरो 96, हाँ इसको 1 कर रहेगा। अब देखिए अब क्या किया, देख लीजिए ज़रा सभी लोग एक बार आईपी। अभी 96 वाली आईपी इसमें, 97 वाली आईपी इसमें नहीं है। देखिए जैसे ही अभी ऐड करेंगे, 97 दिख रहा है कहीं, कहीं नहीं दिख रहा। चलिए ऐड करिए, सेव करिए, इसको सेव किए, ठीक है। अब सर्च मारिए इस पर, फिर ऐड कर लीजिए उसको, ऐड किए। तो देखो अभी रेड सिग्नल है, कुछ मिनट वेट करना पड़ेगा, अभी वो भी क्या होगा, ग्रीन हो गया, 7वां कैमरा चालू हो गया। चलिए अब 8वां कैमरा चालू करिए, कैमरा हाँ तुम चालू करो। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं, 8वां कैमरा हम यहाँ से, हो गया, चलो चलो आईपी चेंज करो इसको। तो देखिए अभी ये हमारा स्टूडेंट है जो कि आईपी अभी चेंज कर रहा है। तो क्या रखना है पता है ना, देखिए अभी लाइव चल रहा है, 4 कैमरा है, तेज पता ये वाला बुलेट कैमरा है, जो ये वाला कैमरा आप देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो कैसे कैसे जाना है बताइए, कहाँ जाएंगे, नेटवर्क से, नेटवर्क पे स्क्रॉल डाउन करो, नीचे नेटवर्क सेटिंग पे जाओ, आईपी चेंज करो, उसका क्या था 97 था। जीरो के जीरो जीरो डॉट नाइन्टी एट करो, इतना सोच क्यों रहे, नीचे आओ क्लिक करो उससे, इनको देखिए लैपटॉप वोटॉप चलाने नहीं आता है। और फाइनली जिसको काम करना हो आईपी कैमरे का, वो थोड़ा सा 3 महीने का ट्रेनिंग ले कंप्यूटर से चलाने का, मना फिर देखिए इसमें कंप्यूटर का भी दोस्तों नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जीरो हाँ भाई करो, वन को जीरो डॉट वन, हाँ फिर सेव करोगे तो देखो अभी 7 कैमरा चल रहा है, 8वां हमारा आईपी चेंज हो जाएगी, तो वो भी हमारे सर्च मारिए आ गया। तो देखिए 8वां कैमरा हमारा 98 क्या डालते हैं सुफियान, 98 जी सर, देखिए 98 हमारा आगे, तो 98 वाली दिख रही है आईपी, 8 कैमरा हमें ग्रीन में। तो अभी देखिए समझ में आया सभी को, 8 हम आईपी कैमरा लैपटॉप से आईपी कैसे चेंज होता है, मतलब ए टू जेड आपको पूरी नॉलेज जानकारी दी गई। ऐसे 32 कैमरा, 16 कैमरा, 64 कैमरा आप करते चले जाएंगे, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, यस सर, जी सर, यस सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना, ये छोटा चीज़ नहीं है, बाहर में जब जाएंगे तो उसकी सैलरी 40 से 50 हज़ार है, ये बस आईपी कैमरे पे आपको आना चाहिए।
असल हमारा किराजन घोसी में एजेंसी रहा किराशन का जब गाड़ी जाती तो हमारे पे बुक कराता था किराशन का किराशन बंदे हो गए पूरे जान लेंगे आप क्या जो भी मिठाई हमारी जो चार पाँच साल पहले बता रहे हैं जब किराशन का तेल का घोसी से आता था जब आता था हमारा पैक करा कर मिठाई ले जाते थे घर के लिए मुझे पूछिएगा है कि नहीं है बोलिएगा मैं देखिए मधुर मिला देखिएगा आएगा कार्ड लेकर जाएगा जब ठीक है मालिक हमारा काउंटर जो फंडिंग बैठा है वहाँ तक जाएगा ठीक